अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज के रूटीन का आगाज़ करते हैं जी। अभी मुझे 3 हो गया। चले, मैं गया हुआ था अली भाई के साथ, उनके कज़न के सेटअप में। कुछ कबूतर हमने लिए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इन्हें निकालते हैं। ये 2 दिन से जो है सही खुले नहीं हैं, तो ये थोड़ा सा फिर लेंगे। ज़ॉम्बीज़ को नहीं निकालता, वो छत सारा गंदा कर देते हैं। ये भी मेरे पास आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इन्हें फीड डालनी है। वो पैर में आ गया चूज़ा। ये जी हमारा दोस्त, ये बहुत पसंद किया आप सब भाइयों ने। तो कमरे की हालत मैं आपको दिखाता हूँ। कमरे का जो है ना बेड़ा घर किया हुआ है इन 2 चूज़ों ने। इन्होंने सारा कमरा ख़राब किया हुआ है, देखें। इधर मैंगोज़ हैं, मैंगोज़ को मैंने अंदर रख दिया था, ये भी फिर बाहर आ गया। और इधर आ गया जी कालिया। अभी सारे छत की सफाई भी करनी है, पहले इन्हें दाना वगैरह डालते हैं, फिर मैं आपको कबूतरों का भी शो कराता हूँ जो मैं ले के आया हूँ। अच्छा जी, ब्रावो और गोल्डी से मैं बड़ा तंग हूँ। 2 ये चूज़े हैं छोटे छोटे, और इन्होंने जो है कबाड़ा किया है सारे कमरे का। तो मेरा दिल गोल्डी को जो है वो बाहर ज़ॉम्बीज़ के साथ कर दूँ, और यहाँ पे जो है ब्रावो को अकेला रखूँ। इसे भी मैं निकालता हूँ बाहर। ये आ गया जी गोल्डी। गोल्डी को मैं छोड़ता हूँ ज़ॉम्बीज़ के साथ, ये इधर सही रहेगा। ये दूसरा चूज़ा आ गया उधर से। डरते हैं, लड़ते वगैरह नहीं है अभी, अकेले करूँगा तो फिर ये लड़ा करेंगे। ओ, अंदर से वो सारे बाहर आ गए। इनको नहीं खोलना था, ज़ॉम्बी को बंद कर देता हूँ मैं, मुर्गियों की खैर है। ये देखो, बिला वजह का इन्होंने शोर डाला होता है। अपना केज भी इन्होंने गंदा किया हुआ है, बाकियों का भी गंदा करते हैं, तो इन्हें हम बंद ही कर देते हैं। मुर्गियाँ भी फुल वाइट थी, बारिश की वजह से इनका भी रंग ख़राब हो गया। अभी चलते हैं ऊपर और आपको मैं दिखाता हूँ जो हमने कबूतर लाए हैं। ये जी देखें, माशाल्लाह रौनक लग गई है, लगे अंडों पे नहीं बैठे हुए। वो देखें जी, लकों के अंडे जो है नीचे पड़े हुए हैं, टूटे हुए हैं। ये तो अंदर जा के चेक करते हैं। ये देखें जी, अंडे टूटे हुए पड़े हैं लकों के, और उन पे चूंटियाँ जो है चढ़ी हुई हैं। फीमेल मेरे ख्याल से बीमार है, इस वजह से वो बैठती नहीं अंडों पे। इन्हें बाहर निकालते हैं और जो नए कबूतर हैं उनका शो कराते हैं आपको भी। ये जी वो नए कबूतर हैं जो मैं लेके आया हूँ। 3 कबूतर तो पिंजरे में बैठे हुए हैं और एक बाहर चला गया, वो नीचे उधर फिर रहा है, बल्कि ये फिर रहा है वो। ये फीमेल है छतरी वाली, ये आगे वाली है पिंक चोंच वाली। एक कबूतर ये है और बाकी कबूतरों का शौक करें जी। ये इस कबूतर की आंख का शौक करें। आप भाइयों ने लाजमी कमेंट में बताना है कबूतर कैसा है, मुझे इतना आइडिया नहीं है। जो हमारे शौकीन भाई हैं वो हमें बताएं। और ये देखें, ये इसके साथ फीमेल है, इसकी आंख मेरे ख्याल से सही क्लियर नहीं हो रही, अब होगी। ये देखें, ये पेयर एक मैं लाया हूँ, एक ये मेल है। आपने लाजमी कमेंट में बताना है तीनों कबूतर कैसे हैं। ये जी 4 कबूतर पूरे हो गए हैं, जो नए आए हैं सब थोड़ा सा आगे करता हूँ मैं। ये देखें, ये 4 कबूतर हम लाए हैं, एक हमारा पुराना इनमें बैठा हुआ है। ये देखें सारे अब ऊपर आ गए हैं, ये कुछ नीचे। अभी इन्हें बाहर निकालते हैं थोड़ा सा, और गर्मी बहुत ज़्यादा आज। उस टाइम जी मैं कबूतर बंद करके नीचे आ गया था, क्योंकि लकों ने अंडे तोड़ दिए अपने, तो इस चीज़ का थोड़ा सा दुख हुआ है मुझे। काफ़ी वेट कर रहा था इनके बच्चों का, तो फिर मैंने बंद कर दिए थे परिंदे। अभी ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके सारे परिंदों को खोलते हैं, एक बार फिर आपको शो कराते हैं उनका। लें जी, जिधर इन्हें मैं बिठा के गया था ये अभी तक उधर ही बैठे हुए हैं, तो इन्हें खोलते हैं। अभी सारे कबूतरों को दाना वगैरह डालना है। अभी ये हमारे नए वाले कबूतर बैठे हुए हैं ऊपर, अभी ये सब बाहर आ जाएंगे, दाना देखेंगे
भूखे तो हुए भी होंगे, कल से भूखे हैं, तो इन्हें निकालता हूँ मैं। ये जी आ गए सब बाहर, उसको देखें, इसका रोज़ यही काम होता है। जो भी वीडियो आप देखेंगे, ये काम आज ख़त्म हो जाएगा जी। ये फीमेल जा रही है अभी अली भाई के पास, तो ये देते हैं अली भाई को, बस ये दाना खा लें तो चलते हैं नीचे। ये सारा दाना डालते हैं इन्हें। आजकल यहाँ पे कोई कबूतर वगैरह नहीं है, ये देखें ऊपर चीलें ही नज़र आ रही हैं। अभी सीज़न तो है कबूतरों का, लेकिन आजकल जो है कबूतर यहाँ पे कम ही नज़र आते हैं। अभी जी एक और जगह से भी आने हैं कबूतर, वो आपको मैं बताऊंगा कल या परसों तक वो आएंगे। मैं इतना इरादा नहीं था कबूतर लाने का, लेकिन अब जब रखे हैं तो ऐसा ऐसा और शौक पड़ गया। तो अभी ये कितने 8 पहले थे, 4 आ जाए हैं, 12 हो गए हैं, 12 में से एक अभी चला जाएगा। 11 कबूतर किए हैं, 4 कबूतर और आ जाएंगे, तो 15-16 तो ऐसे हो जाएंगे, बाकी फिर ये इंशाल्लाह बच्चे वगैरह देंगे, तो कबूतर हमारे पास इंशाल्लाह आगे ज़्यादा हो जाएंगे। और फैंसी भी लाएंगे, लेकिन फैंसी का आप अलग सेटअप बनाएंगे, ये लग के भी फ़िलहाल देंगे किसी को। हम जो है फ़िलहाल हाई फ्लायर ही रखेंगे, और साथ ये वाइट कलर के जैसे जैसे हमें अच्छे कबूतर मिले तो वो भी लेके आते रहेंगे। अभी चलते हैं अली भाई के पास, अली भाई को वो कबूतर देते हैं और फिर वापस आएंगे छत पे भी। अभी जी वो कबूतर दिया अली भाई को, साथ 2-3 और चेक कराने गया था, इन्हें बंद कर गया था कि बिल्ली ना तंग करे इन्हें। अभी कालिया को भी खोल देते हैं इनके साथ, काफ़ी देर हो गया, फिर मगरिब का टाइम हो जाएगा, तो इसे निकालते हैं भाई। कमरे की सफाई भी करनी है, ये बाहर होगा तो वो भी आसानी से हो जाएगी। और इसके साथ साथ ब्रावो को भी बाहर निकालते हैं। ब्रावो गोल्डी के साथ रह रहा कि एक तो इसकी हालत ख़राब हो गई है, दूसरा ये काफ़ी डरने लग गया, पता नहीं क्यों इतना डरता। अभी पहले तो फाइट भी करता था दूसरे चूज़ों के साथ, और पहले काफ़ी अच्छा था, अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया ये। अभी इसने देखा ना उसको गोल्डी को, तो उसके पास जाने की कोशिश कर रहा है, वो भी इधर आने की कोशिश कर रहा है। इन्हें जा के छोड़ते हैं ऊपर, ये तंग हो रहे हैं। तो अभी जी शाम का टाइम है, मगरिब होने लगी है, और सब कबूतरों के बंद होने का टाइम है। अभी इन्हें बंद ना किया तो ये वैसे ही नए कबूतर जो हैं आगे पीछे जाने का सोच रहे हैं, तो इन्हें करते हैं बंद। चलो भाई वो देखें, वो भी उधर चला गया, इन्हें पता नहीं आज क्या हो गया। वैसे तो यूँ नहीं करते, एक अंदर गया बाकी सारे खुद ही अंदर चले जाएंगे। वो देखें ये नए कबूतर हैं, इन्हें इतना पता नहीं है, तो करते हैं इन्हें बंद। ये देखें ये उसकी फीमेल अंदर जाएगी लकों की, ये देखें पिंजरे के पास गई है तो वापस आ गया। इसे थोड़ा सा उड़ा के चेक करते हैं, वो नीचे चला गया, इसके इसको उड़ने ही नहीं होता है, इसे खा खा के मोटा हुआ है। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट लाजमी करिएगा, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।